अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार मनजीत सिंह राय ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए सरदार मनजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। उन्होंने लीड बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के लिए अधिक से अधिक संख्या में ऋण मुहैया कराया जाए, जिससे वे अपना स्वरोजगार कर सकें। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में कौशल विकास के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित करने में बल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, कस्तूरबा बालिका विद्यालय की स्थिति, उर्दू शिक्षकों की तैनाती, मदरसों में आधुनिकीकरण, आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं एवं बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं, स्वयं सहायता समूह संचालन आदि के बारे में बिंदुवार समीक्षा की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयोग के सदस्य सरदार मनजीत सिंह राय ने बताया, आप यार आपको नौकरी इतनी उपलब्ध नहीं हो सकती, आपको रोजगार स्वरोजगार के लिए साथ ही स्किल ट्रेनिंग वाले, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, उनके अंतर्गत या और किसी चीज के अंतर्गत उनको स्किल की ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ये मोटिवेट करे उनको पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वाले और लीड बैंक वाले उनको लोन दिलाए, छोटा मोटा कारोबार वो अपना आप स्वयं करे और बजाय लोगों से एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट देने वाले बने, ऐसा एक प्रयास करके देखिए। मैंने ये पंजाब में फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में देखा है, तो वो चार पांच डिपार्टमेंट में रह के गाँव गाँव में जाना शुरू किया और आपके पास डाटा खुद ब खुद है, उस डाटे को ही आप फॉलो छोटे से छोटा कारोबार भी आप वो लड़का करेगा या बच्चा या बच्ची करेगी तो उसको लाभ मिलेगा, उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को नौकरी देगा। आप थोड़ा सा ऐसे प्रयास एक इतना सब कुछ करने के बाद आपको बच्चे से करने के बाद जैसे मान लीजिए किसी ने मुंशी कर दिया, मौलिक कर दिया, इंटर में किसी इंटरमीडिएट में पढ़ना चाह रहे तो एडमिशन होने में बड़ी दिक्कत है, वो कहते तुम्हारी डिग्री नहीं मान्य है, हालांकि वो गवर्नमेंट से एक एजुकेशन बोर्ड है उसे डिग्री मिलती है। बाद में हम लोगों ने बड़ी मांग उठाई बच्चों के टीम से, अब ये होने लगा है कि जो सर्टिफिकेट डिग्री मिलती है उसके पीछे जियो कोड हो जाता है कि इस जियो के तहत उसको इसके बराबर की मान्यता मिल रही है, पूरा जियो कोड होने लगा। अब दिक्कत सबको बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पर जरूर, आज मेरे पास मैं मनजीत सिंह राय मेंबर नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज़, जो मेरे पास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और यूपी के लगभग 32 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैं सब पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं अब तक 50% डिस्ट्रिक्ट को टच कर चुका हूं, तो यहां पर जब जाता हूं तो ऑफिशियल्स के साथ बैठ के 15 पॉइंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम है उनके अंतर्गत उनसे रिव्यू करता हूं, तो उसमें सबसे पहले ICDS आंगनवाड़ी सेंटर और बच्चों के, महिलाओं के जो उनके स्वास्थ्य के संबंधी, ऐसे ही बच्चों की जो स्कॉलरशिप है जिसमें बी मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है और मेरिट का मींस है, तो इसके अलावा आवास के लिए अल्पसंख्यक लोगों के आवास के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, लीड बैंक मैनेजर से एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो पुलिस डिपार्टमेंट से जो उनके कोई ना कोई ऐसा क्रिमिनल इंसिडेंट आपस में ना हो, अगर हो गया है तो उसमें आपने प्रोसिक्यूशन क्या किया, रिहैबिलिटेशन का क्या किया है, तो ऐसी सब 15 के 15 बिंदुओं पर सब ऑफिसर के साथ बैठ के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे लीड
स्टेट बैंक हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट अफसर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत अफसर हो, और इवन दैन के ADC डेवलपमेंट एडिशनल डेप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट के साथ ये सब आवास और अल्पसंख्यक के उनके रोजगार के संबंधित और उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग के संबंधित और उनको रोजगार दिलाने के संबंधित ये सब बातें हमने रिव्यू की है और मेरे को सब ऑफिसर्स ने जवानी भी फीडबैक दिया है और लिखित में भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। जो हमारी एक मंथली बैठक होती है वहाँ पर ये सारी रिकमेंडेशंस कल मैंने मिनोरिटीज के लोगों के साथ मिलकर बातचीत भी की थी, उनसे भी जो उनका कोई ना कोई ग्रीवेंसेस थे उनको भी सुना और उनकी बातें भी मैंने सारी नोट करी और अपने जो हमारी मंथली बैठक होगी उसमें भी चर्चा करेंगे। कंसर्न डिपार्टमेंट आइदर टू द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट आई विल सेंड माय रिकमेंडेशन टू द दोज गवर्नमेंट्स, मैं उनको भेजूंगा चाहे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को चाहे कि जिस अदारे से संबंधित है उनको भेजेंगे और उनसे करवाएंगे। हाँ जी, मदरसों के लिए एक बात आई है कि पिछले 30 महीनों का मानदेय नहीं मिला, उसके लिए मैंने सबको कहा है कि मैं इसका प्रयास करके और कोई भी कमी पेशी है उसको दूर करवा के विद इन 15 डेज इसका स्टार्ट आउट करवाने का प्रयास करूँगा।